कहते हैं आग और पानी का मिलना नामुमकिन होता है, मगर जब बात प्यार की हो तो ये मिलन मुश्किल भी नहीं होता। राम कपूर और गौतमी कपूर की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। छोटे पर्दे से निकला प्यार का ये जोड़ा कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, मगर अब दो जिस्म एक जान है। कहानी शुरू हुई साल 2000 में सोनी टीवी के शो घर एक मंदिर के सेट से, जिसमें राम और गौतमी दोनों साथ में काम किया करते थे। शो की कहानी के शुरुआत में गौतमी राम की भाभी के किरदार में नजर आती थी। शूटिंग से अलग दोनों एक दूसरे से बातें तो करते थे, मगर इनकी सोच और स्वभाव दोनों में कोई मेल नहीं था। राम जहां पार्टी और मस्ती करने वाले नौजवान थे, वहीं गौतमी सुलझी और खुद को संभाल कर रखने वाली लड़की थी। कहा जाता है कि पहले तो राम गौतमी को अपने टाइप की नहीं मानते थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। घर एक मंदिर की कहानी ने लिया नया मोड़, जिसके साथ राम और गौतमी की जिंदगी भी पूरी तरह से पलट गई। शो में राम को अपनी भाभी गौतमी से शादी करनी पड़ जाती है। गौतमी और राम की जोड़ी को काफी शोहरत हासिल होती है। उस वक्त राम और गौतमी यानी कि राहुल और आंचल छोटे पर्दे के सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी थी। स्क्रीन पर इस सिजलिंग केमिस्ट्री के साइड इफेक्ट्स राम और गौतमी के रियल लाइफ में भी दिखने लगे। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और कभी अलग अलग से रहने वाले ये दो दिल एक साथ धड़कने लगे। प्यार बढ़ता गया और फाइनली दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने का फैसला कर लिया। पर ये रास्ता आसान नहीं था। राम और गौतमी के प्यार को घर वालों की बगावत का सामना करना पड़ा, मगर वक्त के साथ दोनों की फैमिलीज ने इनके प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। 14 फरवरी 2003 को राम और गौतमी ने मुंबई में 7 फेरे लिए। आज शादी के 11 साल बाद अपने दो बच्चों के साथ दोनों ने एक सपनों सा सुंदर परिवार सजा लिया है। जहां राम को गौतमी भगवान का दिया हुआ सबसे खास तोहफा मानती हैं, वहीं राम भी गौतमी को अपना लकी चार्म मानते हैं। प्यार का ये जोड़ा आपको कितना खास लगता है? क्या राम और गौतमी कपूर की लव स्टोरी ने किया है आपको इम्प्रेस? अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं, वीडियो लाइक करें और देखते रहें टेली मसाला।